एक घर में एक छोटी सी लड़की थी। एक दिन वह दो सेब अपने हाथ में लेकर घर के आंगन में खड़ी थी। शायद वह उसे खाने की तैयारी कर ही रही थी, अचानक उसकी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने देखा उनकी बेटी हाथ में दो सेब लिए खड़ी है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा एक सेब अपनी माँ को नहीं दोगे? इतना सुनना ही था कि बेटी ने तेजी से एक सेब अपने दांतों से कुतर दिया और उसका एक टुकड़ा खा लिया। इससे पहले कि उसकी माँ कुछ और कह पाती, दूसरे सेब को भी दांतों से कुतर लिया। यह सब देखकर उसकी माँ बड़ी दुखी और निराश हुई। उन्होंने सोचा, उसकी बेटी में तो बांटने की भावना बिल्कुल भी नहीं है। वह एकदम ठगी सी रह गई और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अचानक से उस नन्ही परी ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ ये लो, ये वाला सेब ज़्यादा मीठा है। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। इससे हमें सीख मिलती है, हमें कभी पूरी बात जाने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए।